तो आज है 7th of April और आज की मॉर्निंग कुछ ये हुई कि आज लल दीदी नहीं आ रही खाना बनाने के लिए। मैंने ललिता दीदी बोला है, मैंने बोला कि ललिता दीदी नहीं आ रही है, नहा ली है। दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है नहा के? मैं दो दिन नहीं नहाऊंगा, हमारे सबको नहाने में अलग दिक्कत आती है कि मैं आज नहीं नहाऊंगा, मैं कल नहीं नहाऊंगा। कितनी तेज धूप निकल रही है, देख रहे हो दोपहर का 1 बज रहा, कितनी भयानक धूप। इसको देखो नूब को, हेलो नूब। अच्छी आवाज़ है, अभी नहीं, बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाएगी, अभी टैनिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, अभी नहीं। हाँ कल हम लोग अलीबाग जाने का सोच रहे हैं, अब जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि क्या करेंगे जाके। कितना दूर है? कम से कम 2 मिनट का है। 2 मिनट? 2 मिनट ही, 2 घंटा तो थोड़ा वो पीछे हो ना, मेरे मुंह पे खड़ा है, लगभग 2 घंटे का दूर है और 2 घंटे के वहां से हम अलीबाग जाते हैं तो बहुत दोपहरी होगी और इतनी धूप में कहाँ जाएंगे बीच पे, है ना? ये बात, बीच पे जाने का मजा ही कुछ और है इतनी धूप में, क्योंकि बीच का मजा तो वही है 5, 6, 7, 8 बजे का, 10 बजे हम लोग वापस आ जाएंगे, 10 से 11 बजे, मतलब 1 डे का ही ट्रिप है, ऐसा कुछ वहाँ पे जरूरी नहीं है स्टे करने का। हम लोग आज भी चलेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना? गद्दा बनाएंगे एक और उस पे वो बिछाएंगे, अच्छा धूप में। हाँ फिर उसके ऊपर वो बिछाते हैं जहाँ पे लेते हैं, ऐसे आप ले तो कि पता ही नहीं चलेगा, फिर आप गिर जाओगे नीचे जमीन। देखते हैं करते हैं मौसम, देखता नहीं पता क्या मौसम है, कैसा है क्या नहीं, किस टाइम जाना चाहिए। शाम के 6 बजे चलते हैं। चलो अभी प्लानिंग करके बताते हैं क्या है क्या नहीं है। और अभी मेरे पास करने के लिए ये सारा काम है, ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, इन सबको अलमारी में लगाने हैं, बस ये ना तो फोल्ड हो रहे हैं ना ये अलमारी में जा रहे हैं क्योंकि अलमारी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। देखो आज टी शर्ट चेंज है और लेकिन सुबह करी है, आज ना आए हो? कल नहाए थे, सोचना पड़ता है पता है इनसे जब भी। हाँ मतलब कि 6 तारीख को नहाए थे और आज 8 तारीख, हनुमान जयंती को शाम को नहाए थे, 6 तारीख की शाम को नहाने के बाद ये अभी तक तो फिलहाल नहाए नहीं है, 8 तारीख हो गए, पर टी शर्ट चेंज होती है रेगुलर, सिर्फ टी शर्ट चेंज होती है बाकी नहीं पता। आज मैंने बोला है कि आज हम थोड़ा सा इटालियन खाने जाते हैं, अगर गए तो। फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कुछ लक्षण जाने वाला क्योंकि काम है और टेबल है वो भी ख़राब हो रहा है, तो वो ठीक करने के लिए भैया आए हुए हैं, जब तक वो जाएंगे नहीं हम नहीं जा पाएंगे। सारे वाटर कलर्स देखो उसके, सारे ये वाटर कलर्स ये सब यहाँ पड़े हैं, उस दिन से नहीं आज। अच्छा तो अभी ये सेंटर टेबल यहाँ पर ये ठीक हो रहा है, इसका नीचे का कुछ बिगड़ गया था वैसे हो रहा है, बाकी तो ये चेंज नहीं करवा रहे क्योंकि पूरा मैचिंग का है, ही चेंज करा रहे हैं, टेबल नहीं चेंज करा रहे वरना पूरा बिगड़ जाएगा। अरे उन्होंने इस वाली बालकनी से, शायद काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, ये लो इनको देखो, ये वाली बालकनी से मैं व्यू बहुत कम लेती हूँ क्योंकि इस वाले कमरे में कम ही आती हूँ, तो ये बालकनी एक्चुअली ये पता है ये जो पेड़ है ना, ये यहाँ पेड़ ये ना ऐसा चेरी ब्लॉसम वाला फील देते थे, अभी तो कम हो गए क्योंकि यहाँ पे उस टाइम क्या था पत्ते कम होते थे सिर्फ फ्लावर्स ज़्यादा होते थे पूरे में, तो अभी तो नहीं। ये तो ये पूरे यहाँ पे ये वाले ट्री और वहाँ पे वो वाले ट्री ये सब एक कलर के फ्लावर्स थे, पर्पल पर्पल, पता नहीं ये तो दिख रहा, देखो ये अभी दिखा ना पर्पल पर्पल वैसा वाला था, तो वो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ का व्यूज भी जनरली मैंने नहीं दिखाती, ये हमारी ये हमारी सोसाइटी का ये बैक साइड है, देखो किसी का ना यहाँ पे कपड़ा सूखा हुआ है आंधी में उड़ के आ गया था, ये रहा कपड़ा, ये देखो देख लो, दिस इज इट, मौसम तो सही हो रहा है आज का। तो बस अभी फटाफट से मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, जो भी फोल्ड वोल्ड करने का काम है कपड़ों का वो थोड़ा देखते हैं, इधर उधर कहीं जाते हैं गए तो, और नीचे विवान गया हुआ है, आज तो बहुत जल्दी चला गया, आज तो 5 बजे चला गया खेलने के लिए, नहीं अभी गया है। हाँ बट लेकिन होमवर्क अगर उसका टेस्ट ले रही थी मैं, तो उसका टेस्ट लिया कि कुछ उसको मैं बता रही थी, जीके टेस्ट लेने के बाद पढ़ के खा पी के वो अपना नीचे चला गया है खेलने के लिए 5:30, तो अभी ऊपर आएगा वो लगभग 7:30 बजे आएगा, 7:30 बजे 7-7:30 बजे के बीच में आएगा, वॉच पहन के जाता है वो। चलो मैं अभी थोड़ा सा काम है उसे कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं व्हाट नेक्स्ट।
तो हेलो गाइस, मैंने दिन में आपको वहां तक बताया था कि मैं कपड़े फोल्ड कर दिए, मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए अभी। आज हमने स्ट्रीम एक घंटा पहले स्ट्रीम स्टार्ट कर दी क्योंकि ना आज बहुत ज्यादा धूप थी, तो नीचे अक्की गया था खेलने पर जल्दी आ गया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी जस्ट फाइनली प्लान हो रहा है, मतलब एक यहाँ पे छोटा सा कैफे है, वहाँ पे इटालियन फूड थोड़ा अच्छा मिलता है, अभी हम जा रहे हैं वो खाने। मैं नॉर्मल जा रही हूँ, नॉर्मल कपड़े पहन के जा रही हूँ मैं, बाकी लोग सज रहे हैं, इतने का बिल नहीं आएगा जितने का कपड़े पहन के जा रहे हैं उस कैफे में। मैं तो नॉर्मल जाती हूँ, आई एम सच अ नॉर्मल पीपल, आई डोंट डू ऑल दीस थिंग लाइक समटाइम। इनका कैमरा देखते ना, नहीं पता ऐसे, ये ऐसे रहता है ऐसे, तो कैमरा देख के ऐसे हो जाते हैं क्यों। चलो तो हम जा रहे हैं अब। एक ले लूँ प्लीज। देखो देखो, भगवान जाके सामने घर से पेड़ पे से स्टोन लेके आ रहा है, ये देखो। वैसे ये ऐसा आदमी कर रहा है, ले लिया एक स्टोन, एक ऑरेंज कलर का स्टोन लिया है। चलो यार, कब से प्लान करते करते हुआ हुआ है कि आप पता है कि एक्चुअली सबको लगता है मैं इतना फ्री है, इतना हम एक्चुअली फ्री है नहीं। ये होता है कि हम लोग इस टाइम ज़्यादा थोड़ा से बिजी हो जाते हैं। अभी भी मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी काम अभी पेंडिंग पड़ा है, हमेशा धीरे चलती है तो मैं गिर जाऊँगा गिर जाऊँगा। तो और अभी मुझे पता है एडिटिंग का आधा काम की टाइम स्टैम्प वगैरह और ये चीज़ें। हाँ तो अभी वो सो जाएगी, तो सो जाएगा तो कभी नहीं उठने वाले अभी वो। अरे भाई, इसलिए आज हम चाबी लेकर आए, वैसे वो छुट्टियां बना के आया है तो आज थोड़ा ज्यादा काम करेगा वो। आप आगे बैठना, मैं पीछे बैठना। हाँ, ये हमेशा ये स्कूटी ना बिल्कुल यहाँ चिपका के करते हैं, इस बार उन्होंने स्कूटी यहाँ कर दी, थैंक यू। ये देखो हम आ गए, उसी वाले में जाना, सेम वही अच्छा था वो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है सीट बेल्ट की बात कहाँ से आ गई, वो तो नहीं। प्रॉब्लम मेरी ये कुछ और है, जैसे हम बाहर जाते हैं, अब मन तो कर रहा है कि ना वहीं जाएंगे इटालियन खाना खाने, लेकिन फिर मेरा कल ये पास्ता वगैरह भूख नहीं लगता यार, कुछ नहीं, चलो बटर रोटी और नान ही खाए थे ऐसे करके, तो मैं बहुत पिज्जा खा के भूख लग जाती है, तो ये पिज्जा विज्जा अब मैं नहीं, हम जाएंगे तो उसी कैफे जाएंगे, पर भूख लग जाएगी मुझे बाद में। कहाँ जाना है आपकी, कहाँ जाना है? तो मुझे भाई सब खाना चाहिए प्रॉपर, मतलब एक बार को पास्ता वगैरह से पेट भर जाता है बट पिज्जा से मेरा पेट नहीं भरता। पिज्जा में होता है जब दो स्लाइस खा लो लगता है इतना खा लिया, आप खाए जाए नहीं तो प्लान चेंज, प्लान बी करना पड़ेगा क्योंकि वो जो पास्ता पोस्तो नूडल्स वाला जो था जहाँ जाने वाले थे वो पूरा फुल था भाई, वेटिंग थी उसमें कई सारी, क्योंकि आज सैटरडे है तो देखते हैं घूमते हैं फिरते हैं कोई और कैफे मिल के अच्छा सा, तो ठीक है अदरवाइज अपना वही दवा। कि हम लोग कैफे बहुत कम जाते हैं, रेस्टोरेंट ज़्यादा जाते हैं, तो इसमें हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार ये कुछ कैफे में ट्राई करते हैं, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। और हम लोग ऐसे बहुत सच लेट भी नहीं हुआ, 10:30 सुबह है। एक तो नाम कोई कोई ना कैफे के नाम ऐसा होता है कि उनमें जाने का मन करता है, अब नॉर्मल से जो नाम बोल दो उसमें फिर थोड़ा सा मन नहीं करता, ऐसा चीज होती है। तो लगता है मान लो कुछ अलग सा नाम हो तो लगता है कि कुछ अलग सा होगा इसमें, वो वाली चीज़। कैफे तो नहीं मिला, तो अभी ये कोई भगत तारा चंद है, हम यहाँ जा रहे हैं, अभी मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं, इससे पहले नहीं आए थे यहाँ पे। लेट्स सी कैसा है, अंदर से तो ठीक लग रहा है, यहाँ पे फलूदा वाला है। चलो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा होगा, बट उसका मेन्यू देखा तो कुछ था नहीं, वही दाल रोटी सब्जी, मतलब नॉर्मल खाना था,
अच्छा सा पास्ता नूडल्स वगैरह खाने का मन कर रहा है और वो मिल ही नहीं रहा, तो हम वहाँ से भी आ गए। और अगर अभी भी नहीं मिलता है कुछ भी तो हम जरूर चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है ऐसे आज कुछ है, हर जगह भीड़ है, हर जगह वेटिंग है यार। देखो ये रहा हमारा प्रोंटो पास्ता एंड नूडल्स, शायद इसमें अभी वेटिंग नहीं है तो इसमें आप जाते। सो हम घूम घाम के कहीं नहीं पहुंचे, वहीं आए हैं प्रोंटो पास्ता एंड नूडल्स पे। कुछ नहीं मिला कहीं पे तो हम यहीं आ गए, है ना। वैसे स्टिल वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, अभी नहीं है, अभी हम जा सकते हैं। तो हुर्रे, लेट्स गो। ये भी पास्ता खाने आया है। चलो अब हम थोड़ा कुछ खा पी के उसके बाद करते हैं। बाय। हम लोग आखिर में पास्ता ही खा कर आए। कैसा है सच्ची बताना, कैफे छोटा है बट पास्ता कैसा है? अच्छा। उसका मतलब कैफे ऐसा कुछ बड़ा लेकिन खाना अच्छा है ना, मतलब प्रॉपर। उसमें क्या है, आपको खुद अपना मेन्यू बनाना पड़ेगा, हर चीज अलग अलग है, तो आपको कौन सा सॉस किस में चाहिए, किस पास्ता में चाहिए, तो वैसा वाला सीन है। वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। अभी तो फ्री ड्रिंक्स भी मिल रही है वहाँ पे IPL पे, ऑन एवरी अबव 150 ऑर्डर। आप जाया करो, जो छोटे छोटे कैफेज होते हैं, जो छोटे जो होते हैं ना स्टॉल वगैरह लगा के बैठते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब कोई बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह कुछ होगा तभी अच्छा होगा, मीडियम रेंज में जाओगे तो अच्छा खाना मिलता है आपको रीजनेबल रेंज पे, तभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये आया कुछ एग का मजेदार मैटर, ये कुछ एग की इन्होंने सब्जी बनाई है और ये हमें खानी होती है विद पाव। तुम तो पहले खा चुके हो, तभी सर्च करना द एग्लिशियस, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एग का ये बड़ा अच्छा मिलता है, तो ये एग का बड़ा अच्छा मिलता है। ये दोनों मियाँ बीवी सो रहे हैं और इनका वो रहा बच्चा ये, और ये जो भैया है ना इन्होंने बनाया। भैया हेलो कर दो, ये भैया ने बनाया। अच्छा आप का यूट्यूब पर है? Yes. तो भैया का यूट्यूब पर वीडियो भी है एग्लिशियस नाम से। गाइस अब वीडियो बनाएंगे तो मैं आप अच्छे तो भी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना मैं। हाँ। जो मैं अभी तक तो बना नहीं पाया ना पीसी डिशेस चैनल पे जो बनाया ना। अरे वाह, अलग अलग डिशेस है, जैसा एक समोसा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा अरे वाह, बनाता नहीं कस्टमर भी बोलते हैं ना नया कुछ खिलो। हाँ। अच्छा बोरीवली वहाँ से भी आते हैं? मेरा मेन ब्रांच बोरीवली में। अच्छा, और आपने ये सीखा कहाँ से? अच्छा सूरत से। तो भैया सूरत से, गाइस देखो यार भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुंबई में कहीं भी रहते हो तो यहाँ जरूर खिलाना। एक ब्रांच इनकी बोरीवली में है और एक यहाँ पर है खारघर में, दो नागपुर में, और दो नागपुर में भी है। भाई क्या बात है भैया, मेहनत तो है। चलो अभी हम जरा खाते हैं। तो फाइनली खा सीट बेल्ट लगा लो। अरे यार तो मैं ये बोल रही थी फाइनली अब हम खा पी के सब कुछ अब जा रहे हैं हम घर। अरे यार इसको इसका पेट ही नहीं भरता है भाई, मेरा पेट ना सबसे बड़ा पेट है, सबसे ओशन से भी ज्यादा बड़ा पेट है मेरा, ओशन से भी ज्यादा बड़ा पेट है। पेट होता है, होता है ना एक सर्कल वाला, सर्कल सा, उसकी जो जहाँ पे वो खत्म होता है ओशन, वहाँ पे उसकी दो आई है नोज एंड स्माइली होता है उसका। क्या बोल रहा है पानी निकालो उसका, इसकी इमेजिनेशन गाइस, और उसका सारा पानी निकाल दो ओशन में से, और फिर निकाल के कहाँ रखोगे, और इतने सारे
मेरे घर के अंदर आएगा। पूरा बिल्डिंग में चेक कर दो, पूरा बिल्डिंग खाली, बस बिल्डिंग के नीचे और ऊपर एक ये देखो भाई, वहाँ पे चांद अभी बादलों में छुपा हुआ था, पर अब मौसम तो हो रहा है बहुत सही, मतलब बाकी सारा देखो सब ब्लैक है, बट वो एक देखो दिखा देखो देखो देखिए तो आज तो संडे है ही नहीं। अच्छा सुन रहे क्यों, चलो अरे वॉइस ये क्या, वो नीचे गिर गया, ये क्या था, ये सीधा घर कार का मैं ब्रेकर इन्हें दिखाई नहीं, इन्होंने इतनी तेज आगे धक्की मारी कार में, धक्की क्या है, धक्का मारा कार में, धक्का मारा अरे यार ब्रेकर पर से ऐसे कार उतारी इन्होंने कि फोन मेरा नीचे गिर जाता और अक्के मारा पीछे सीट से नीचे गिर के अक्के हाँ मेरा एक पैर ये लगा यहाँ पे घुटना और सर मेरा यहाँ पे लगा, ये कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बस अभी हम जा रहे हैं घर और घर जाके सोएंगे, तो ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं कार में ही, सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टा के ये जो सारे हैंडल्स इनको भी फॉलो कर देना, बाय बाय गुड नाइट।